दोस्तों जिस तेजी से मोबाइल के ऐप प्ले स्टोर ऐप स्टोर और विंडोज स्टोर में रेगुलर बेस पे आ रहे हैं उसी तेजी से मोबाइल ऐप डेवलपर की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर naukri.com में ही देखें तो करीब 6000 से ज्यादा और लिंक्डइन पर 600 से ज्यादा ऐप डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं या खुद का कोई मोबाइल ऐप डेवलप करके उससे बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कम्प्लीटली जरूर देखें। दोस्तों आप देख रहे हो इंडिया UIUX। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी अच्छा मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छे आइडिए की और क्रिएटिविटी की। इसीलिए मोबाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आपको मार्केट की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, मतलब मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, लोग किस तरह के ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ये सारी चीजें। जैसे कि गाना और सावन के ऐप ऑलरेडी है तो आप म्यूजिक वाले ऐप क्यों बनाएंगे, या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर ऑलरेडी है तो आप मैसेंजर के ऐप क्यों बनाएंगे। तो दोस्तों ये जरूरी है कि आपका जो ऐप का आइडिया हो यो कम्प्लीटली यूनिक हो, वो ऐसा हो कि जिससे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो। एक यूनिक आइडिया होगा तो आपका ऐप डेफिनेटली चलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे यूज करेंगे। तो दोस्तों ऐप तो हमने डिसाइड कर लिया, अब शुरू कहाँ से करें, ऐप आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाएंगे, iOS एंड्रॉयड या विंडोज। सबसे पहले देखते हैं iOS के लिए। अगर आपको ऐप से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आप iOS के ऐप बनाएं, क्योंकि एंड्रॉयड में रेगुलरली बहुत सारे ऐप अपलोड होते रहते हैं इसीलिए वहां पर पायरेसी के भी ज्यादा चांसेस होते हैं। बट iOS यानी ऐप स्टोर में जब आप ऐप अपलोड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या रेगुलेशन के बाद ही अपलोड किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि iOS के यूजर बहुत सोच समझकर ऐप डाउनलोड करते हैं, इसीलिए वहां प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है। iOS के ऐप डेवलप करने के लिए आप PC पे नहीं कर सकेंगे, आपको चाहिए मैकबुक या फिर iMac Pro जो एप्पल के प्रोडक्ट है। अब एंड्रॉयड में देखते हैं, अगर आपको अपने ऐप को ज्यादा पॉपुलर बनाना है और उसे फ्री में यूजर को देना है और ऐप के अंडर एडवर्टाइजिंग के थ्रू पैसे कमाने हैं तो आप एंड्रॉयड के लिए ऐप बनाएं। ये एक अच्छा आइडिया भी है क्योंकि शुरुआत में पेड ऐप बनाए तो ज्यादा लोग डाउनलोड नहीं करते। अगर आपने ऐप फ्री किया तो वो ज्यादा चलने के बाद आप उसे फ्री से पेड पे कन्वर्ट कर सकते हो। अब आते हैं विंडोज पर। अगर कोई अच्छा ऐप का आइडिया ऑलरेडी iOS और एंड्रॉयड पर डेवलप्ड है तो आप उसे विंडोज के लिए बनाएं, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे यूजर्स विंडोज के मार्केट प्लेस पर जाने लगे हैं और विंडोज के यूजर्स की क्वांटिटी भी कम नहीं है। अब आते हैं ऐप के डिजाइन और डेवलपमेंट पर। अगर आप iOS के ऐप डिजाइन करना चाहते हैं तो xcode जैसे टूल है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड इंटरफेस बिल्डर है जिसको यूज करके आप उनके रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो ताकि आप एक कंसिस्टेंसी फॉलो कर सके iOS प्लेटफॉर्म के ऐप डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीके से अगर आप एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पे डिजाइन करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं ऐप, तो आप developer.android.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स, टिप्स, कौन से फॉन्ट यूज करें, क्या स्टाइल होगा, कंट्रोल्स कैसे होंगे, लाइब्रेरीज कौन सा यूज करेंगे, ये सारी जानकारी आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडोज के डेवलपर वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको डिटेल में मिल जाएगा कि किस तरीके से आप उनके एलिमेंट यूज कर सकते हैं, क्या नेविगेशन पैटर्न फॉलो करना है, किस तरह के लेआउट यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हैं विंडोज प्लेटफॉर्म के डिजाइन के लिए भी। अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए ऐप डेवलप करना है तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको एज अ डेवलपर उस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना होगा और उसी प्लेटफॉर्म के रिलेटेड SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को डाउनलोड करके ऐप डेवलप करना शुरू करना होगा। iOS के ऐप के लिए आपको एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट जो है developer.apple.com पर जाना होगा और वहां पे आपको रजिस्टर करना होगा एज अ डेवलपर। ये जो क्रेडेंशियल आप यहाँ यूज करेंगे जैसे कि यूजर नेम पासवर्ड है, ये आप iTunes के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद iOS के ऐप डेवलप करने के लिए आपको iOS के SDK लगेंगे जो अब रिसेंट जो रिलीज हुआ है xcode का वर्जन 10.0 है उसके अंदर इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है iOS का SDK, तो आप इजीली वो एप्पल के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप ऐप डेवलप कर सकते हैं। एप्पल के डेवलपर वेबसाइट पे आपको बहुत सारी ट्यूटोरियल्स, टूल्स, टेक्निक्स और लाइब्रेरीज के बारे में पता चल जाएगा। और हाँ, iOS सिमुलेटर यूज करके आप अपने मोबाइल ऐप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। जब आपका ऐप डेवलप हो जाएगा तो आपको वो ऐप लॉन्च करने के लिए एप्पल को $99 पर ईयर देने होंगे जो करीब होते हैं 7,100 रुपये इंडियन रुपीज़।
अब अगर आपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर ऐप डेवलप करना डिसाइड किया है तो सबसे पहले आपको गूगल के ऑफिशियल गूगल डेवलपर वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा और एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना होगा। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो एक्लिप्स के आईडीई भी यूज कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलपर्स यूज करते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ऐप टेस्टिंग के लिए आपको एंड्रॉयड एम्यूलेटर को यूज कर सकते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में ही आपको इंटरफेस डिजाइनिंग हो गया, कोड एडिटर हो या डीबगिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही मिल जाएंगे, कर सकते हैं। अगर आप गूगल का ऐप लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको $25 एक टाइम का फी देना होगा जो करीब करीब 1800 इंडियन रुपीज है जो आपको गूगल को पे करना। अगर आप विंडोज के प्लेटफॉर्म के लिए ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विंडोज के डेवलपर वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एकदम फ्री है। विंडोज के SDK टूल्स यूज करके प्लस माइक्रोसॉफ्ट का यूनिवर्सल विंडोज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म यूज करके आप इजीली विंडोज के ऐप डेवलप कर सकते हैं। जहां तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, विंडोज के ऐप डेवलप करने के लिए आपको C++ का लैंग्वेज होना चाहिए, प्लस फ्रंट एंड में जो है आप HTML, CSS या XAML का यूज कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो जो है वो बाय डिफॉल्ट विंडोज के SDK के अंदर इंटीग्रेट होता है। अगर आप विंडोज का प्लेटफॉर्म पे अपना ऐप लॉन्च करना चाहते हैं तो एज एन इंडिविजुअल आपको $19 देने होंगे वन टाइम फी, जो करीब करीब 1363 रुपए होते हैं, और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है तो आपको $99 वन टाइम फी देने पड़ते हैं जो करीब करीब 7100 रुपए इंडियन रुपीज होते हैं। अब देखते हैं किस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप ऐप डेवलप कर रहे हो। अगर आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ऐप डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं iOS की बात करूं तो वहां पे लैंग्वेज है बेसिकली यूज किया जाता है वो है ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट। वहीं पर एंड्रॉइड के लिए जावा और XML यूज करते हैं और विंडोज के लिए फ्रंट एंड में HTML, CSS और XAML का यूज होता है। जब आपका ऐप डेवलप हो जाए तो ये जरूरी है कि आप उसकी टेस्टिंग भी करें। वैसे तो टेस्ट सिमुलेटर यूज करके आप टेस्ट कर सकते हैं, बट रियल डिवाइस पर टेस्टिंग करने से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपका डिवाइस जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप रियल डिवाइस पे अपने जो ऐप है वो टेस्ट करें। अब आपने अपने मोबाइल ऐप की टेस्टिंग भी कर ली और वो परफेक्टली चल भी रहा है, अब उसे लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए आपको जो है उसे ऐप स्टोर पे अप्रूवल के लिए सबमिट करना होगा। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं उसके लिए आपको जो है ऐप सबमिट करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। आपके ऐप का अप्रूवल जल्दी भी मिल सकता है या फिर देरी भी हो सकती है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने पब्लिशिंग के सारे रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो किए हैं, आपके कोड्स जो है वो एकदम क्लीन है, उसमें कोई मेलिशियस कोड नहीं है, डीबगिंग नहीं है। अगर ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हो और प्रॉपरली ऐप डेवलप करके अप्रूवल के लिए सबमिट करते हो तो आपका ऐप जो है वो कंफर्म अप्रूव्ड हो जाता है। अब ऐप तो लॉन्च हो गया तो क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रोज कितने ही डेवलपर अपने ऐप स्टोर पर लॉन्च करते रहते हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो ऐप है वो डिस्कवरेबल हो, यानी कि अगर आपका टारगेट यूजर आपका ऐप सर्च करे तो वो उसे जल्दी ही रिजल्ट पेज में दिख जाए, वो डिस्कवरेबल हो। और बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि जब आप अपना ऐप लॉन्च करोगे तो उसका जो कीवर्ड होगा या टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, वो एकदम प्रॉपरली हो ताकि सर्च रिजल्ट में प्रॉपरली दिखे और यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड यूज किया जाए। आप किसी एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क के साथ टाइप भी कर सकते हैं ताकि एड्स के थ्रू आप अपना जो ऐप है प्रमोट कर सको। आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी यूजर के कमेंट्स हो या सजेशन, उसको आपको अवॉइड नहीं करना है, सारे कमेंट्स या यूजर्स के कमेंट्स को रिप्लाई देना है और एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टारगेट सेट करना है कि कौन से आपके टारगेट ऑडियंस है और उन्हीं को जो है टारगेट करना है अपने ऐप के लिए। प्लस आपका जो सोशल मीडिया पे भी प्रमोशन बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको अपना ऐप चलाना है तो। सोशल मीडिया हो गया जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सारे सोशल मीडिया वेबसाइट पे आपको अपना ऐप प्रमोट करना है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने ऐप तो डेवलप कर लिया बट क्या आप उसे पेड ऐप करोगे या फ्री ऐप करोगे? तो इसके भी बेसिक के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि अगर आपका जो ऐप है वो एक कम्प्लीटली यूनिक आइडिया, नया आइडिया है, तो आप एक टाइम फी चार्ज करके यूजर्स को डाउनलोड के लिए दे सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका जो ऐप है वो बहुत स्लोली ग्रो होगा, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि इनिशियली आप फ्री में जो है ऐप दे सकते हो और ऐप के अंदर एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमा सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप कर सकते हो वो कि अगर आपका ऐप जो है वो एडिक्टिव है तो आप उसका फ्रीमियम दे सकते हो, यानी यूजर जो है आपका ऐप फ्री में यूज करेगा बट उसको एक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस करना है या फिर कुछ एडिशनल पॉइंट्स लेने हैं तो उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको फ्री या पेड ऐप के थ्रू जाना है। तो दोस्तों ये वो सारी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं एक मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए और उसे लॉन्च करने के लिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।